नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर, चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा में सड़क हादसे में महिला की मौत, ट्रक ने महिला की कुचला, दो घंटे तक चला चक्का जाम, 1,00,000 रुपए की दी गई मुआवजा राशि। जांजगीर चांपा जिले के तारोद मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला और जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। ट्रक चालक वाहन को छोड़ मौके से भाग निकला। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए चक्का जाम किया। घटना अकलतरा थाना क्षेत्र की। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ज्योति साहू 32 वर्ष अपने बच्चे और पति के साथ ग्राम तारोद से अपने घर झलमला जा रही थी। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था। सड़क में बने गड्ढे में बाइक का पिछला चक्का पड़ने से बाइक लड़खड़ाने लगी, जिससे पीछे बैठी ज्योति साहू उछलकर सड़क में जा गिरी। वहीं पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को अपनी चपेट में लेते हुए कुचला और जिससे महिला की मौत हो गई। चालक मौके पर से भाग निकला। गुस्से में ग्रामीणों ने चक्का जाम करने लगे। घटना की जानकारी अकलतरा पुलिस को होने पर पुलिस टीम और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए शासन की ओर से सहायक राशि और ट्रक मालिक से 75,000 रुपए देने के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। पुलिस ने शव को सड़क से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए CHC अस्पताल भेजा गया। वहीं मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।